खबर श्रीमाधोपुर से है। अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष की मीटिंग के दौरान अहिर रेजिमेंट के राष्ट्रीय संयोजक सांवल राम यादव, सह संयोजक रामधन यादव, जिला सचिव ओम प्रकाश यादव ने रेजांग जिला के अमर शहीद वीरचक्र हरिराम यादव, शांति सेना में शहादत देने वाली अमर शहीद लालचंद यादव की मूर्ति पर पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहादत को नमन कर अमर शहीदों के सम्मान में जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का आपका नाम रहेगा नारे लगाए। इस अवसर पर सांतोर के स्थित सम्मानित ग्रामीणों ने भी शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि से श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामीणों को राष्ट्रीय संयोजक ने उपस्थित समाज बंधुओं को अहिर यादव समाज के साहस और शौर्य का वर्णन करते हुए आजादी की प्रथम क्रांति 1857 में नसीबपुर युद्ध में साथ देने वाले 5000 अहिर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए 16 नवंबर शहादत दिवस के बारे में अवगत करवाया। यादव ने बताया कि 16 नवंबर को श्रद्धांजलि देने के बाद भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा तथा अहिर रेजिमेंट गठन के लिए देश के सभी राज्यों में जन जागरण यात्रा निकालकर यादव समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में निम्न ग्रामीण लोग उपस्थित रहे जिसमें झुंझुनू जिला अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कुमार यादव, प्रधान जी मास्टर बलजीत सिंह यादव, भूतपूर्व सरपंच चिरंजी लाल यादव, भूतपूर्व सरपंच राम कुमार यादव, वीर सिंह यादव, यशवंत कुमार यादव, आमीलाल यादव, पूर्व फौजी राजेश यादव, विक्रांत यादव, शहीद हरिराम कमेटी अध्यक्ष राकेश कुमार यादव सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिले में हमारे सबसे ज्यादा शहीद देने वाली धरती झुंझुनू जिले में हमारा अहिरवाल है और हमारे अहिरवाल को जिस तरह से ये सरकारें और आर्मी कैडर के लोग अनदेखा कर रहे हैं उस मुहिम में हम पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। श्री मधुपुर शिखर से कैमरामैन राकेश यादव और रिपोर्टर ओम प्रकाश यादव साथ जय हिंद जय भारत। बीच में झुंझुनू के जिला अध्यक्ष एडवोकेट साहब हमारे स्पीच में मौजूद हैं। सर आप बताइए जी। सबसे पहले मैं हमारे श्री सावण राम जी अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष व राष्ट्रीय संयोजक अहिर रेजिमेंट मिशन के इनका आने पर तहे दिल से इस वीर धरा के ऊपर मैं इनका स्वागत करता हूं। साथ ही इनको आश्वासन भी देता हूं कि हम इस वीर धरा के समस्त लोग इस आपके इस मिशन में अहिर रेजिमेंट बनाने के मिशन में पूर्ण रूप से आपके सहयोग देंगे और ये अहिर रेजिमेंट जो है ये अहिरों के मान सम्मान और बलिदान के लिए बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें हम समस्त ग्रामवासी के साथ साथ इस झुंझुनू जिला के जो ये सैनिक सबसे ज़्यादा देने वाली एक धरा है उन सब की तरफ से मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं और आपके मिशन में कंधे से कंधा मिला करके हम सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। सर आप बताइए। सबसे पहले मैं श्री अध्यक्ष साहब का स्वागत करता हूं जिन्होंने यहां हमारे सांतोर गांव में शहीदों की धरा पर आकर हमारा आज झुंझुनू जिले के सांतोर गांव में शहीद लालचंद यादव और हरिराम यादव की मूर्ति के सामने शहीदों को याद करने के लिए आज हमारे बीच में अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं अहिर रेजिमेंट मिशन के राष्ट्रीय संयोजक सावण राम जी यादव हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग को लेकर? आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश में रेजांगला एक बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़े युद्ध के रूप में जिसको जाना जाता है उसके वीर चक्र विजेता शहीद हरिराम जी की इस पावन धरा के ऊपर और शांति सेना में शहीद हुए लालचंद जी की इस पावन धरा पे इस गांव के तमाम इन वीर योद्धाओं का जो ये गांव है इसके बीच में आकर आप सबके दर्शन पाकर के मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ और हमारे शहीदों को सम्मान मिले, हमारे समाज को सम्मान मिले। हमारी बड़ी लड़ाकू कौम है। इस देश के इतिहास में अहिरों का बहुत बड़ा इतिहास है लेकिन फिर भी भारतीय सेना का स्ट्रक्चर जो है उसमें अहिर रेजिमेंट नहीं है। ये हम सबकी पीड़ा है, हमारे सबके मान सम्मान से जुड़ी बात है। इसको लेकर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें आपके जिलाध्यक्ष
अशोक जी भी जो है अपने जनप्रतिनिधियों से पत्र लिखवा रहे हैं, आप लोगों का सबका भी योगदान है। इसी बात को लेकर के आज बड़ा सौभाग्य है कि दोनों अमर शहीदों के यहाँ आकर के हम नमन करके ये जो मुहिम है इसको आप लोगों तक पहुंचा करके, आपसे निवेदन करके, आपसे कुछ सुझाव लेकर के पूरे देश में कैसे बढ़े, इसलिए आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण मनोयोग से इसमें सहयोग देंगे। जय हिंद, जय भारत।